So very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में। तो जैसे कि मैं पहले से ही बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर यूनिट की वीडियोस बना चुका हूँ, तो आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी देयर इन द एग्जाम इज डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इज हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर करने वाला कौन था? डिफरेंशिएट बिटवीन द यूकेरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकेरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूकेरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकेरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिफाइन बैक्टीरियल वर्यूलेंस। बैक्टीरियल वर्यूलेंस क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन द बैक्टीरियल वर्यूलेंस? दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी राइट द रोल प्ले बाय द कैप्सूल इन द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है उसमें कैप्सूल, व्हाट इज द रोल व्हिच इज प्ले बाय द कैप्सूल, कैप्सूल क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन द रोल व्हिच इज प्लेड बाय द फ्लैजिला एंड पिलाई। फ्लैजिला एंड पिलाई एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिफाइन कल्चर मीडिया एंड डिफाइन इनरिच्ड मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है एंड इनरिच्ड मीडिया क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी देयर इन द एग्जाम इज डिफाइन डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है? राइट ऑन द रोल विच इज प्ले बाय द अगार इन द कल्चर मीडिया। एक कल्चर मीडिया उसमें अगार का रोल क्या होता है। डिफाइन ग्रोथ फैक्टर्स एंड व्हाट इज द रोल इन देयर कल्चर मीडिया। दैट्स अ वेरी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द पैरामीटर्स विच इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। That is also very important question. Define bacterial growth curve. Bacterial growth curve क्या होती है? Name the various preservative methods which are used for the pure culture. कौन से different preservative methods होते हैं जो pure culture के लिए use किए जाते हैं? Next is define subculturing. Subculturing क्या होती है? Define cryopreservation. Cryopreservation क्या होता है? Define lyophilization. Lyophilization क्या होती है? And name the various microscope used in the microbiology. That is also the very important question. So I hope इस वीडियो में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो बी फार्मा फर्स्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी में से पूछे जा सकते हैं, आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।